सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इक़्तदार में आए तकरीबन 3.25 साल हो चुके हैं। इस 3.25 साल के अरसे में काबीना में कई तब्दीलियाँ हुई। वज़ीर ख़जाना को 4 बार तब्दील किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वहाँ पर भी हम सुनने में आता रहता है कि इख्तलाफात चल रहे हैं। आपस में जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसमें खुद हुकूमत के लिए खासी मुश्किल पेश आ रही है। ये तमाम तर सूरत हाल हुकूमत के लिए दरपेश है। तो ज़िमनी इलेक्शंस में भी जो हुक्मरान जमात है उसको जिस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, होनी भी चाहिए। और ख़ुद उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की आंखें खुलनी चाहिए। अब तक हमने देखा कि चाहे वो इलेक्शन हो डस्का का, नौशेरा का या फिर कराची का, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा भारी नंबरों से हमने देखा कि शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज खुशाब का भी ज़िमनी इलेक्शन जिसमें अब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है, और इसमें भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ इस हलके में आज काफ़ी धांधली जो है कई पोलिंग स्टेशन पर देखने में आई। पोलिंग एजेंट्स अपनी मर्जी से मोहर जो है वो लगवाते रहे। हमने देखा कि कराची का हल्का 249 जहाँ पर कल दोबारा से वोटों की गिनती की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी नून लीग को तहफ़ात थे और वहाँ जब दरख्वास्त जमा करवाई गई तो उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। और आज भी नून लीग जो है खुशाब में यही कुछ सूरत हाल जो है वो बता रही है कि यहाँ पर भी जो है वो धांधली की जा रही है। आपको याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही पास ये खुशाब की सीट थी और उनके उम्मीदवार के इंतकाल के बायस ये जो सीट थी वो खाली हो गई थी, जिस पर आज ज़िमनी इंतखाब हुआ। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब हुसैन हमारे साथ हैं खुशाब से। पहले ज़रा यहाँ की सूरत हाल जानते हैं, अपने प्रोग्राम पर बाकायदा तौर पर आएंगे। आफ्ताब, आज सुबह से शाम तक जब तक पोलिंग का अमल जारी रहा क्या सूरत हाल रही? और ये जो नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है कि जी कई पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग एजेंट खुद से मोहर लगाते रहे, क्या थी सूरत हाल आज सुबह से शाम 5 बजे तक? जी, मैं इस वक्त हल्का PP84 के एक जो अहम तरीन शहर है मिठाठवाना, वहाँ पर मौजूद हूँ। और मेरे पीछे पोलिंग स्टेशन जो पंजा का है वो इस वक्त इंतखाबी अमल चूँकि 5 बज चुके हैं वो ख़त्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये बंद हो गया है, गेट बंद कर दिया गया है, क्लोज़ कर दिया गया है पोलिंग स्टेशन इंतज़ामिया की तरफ से, और कोई भी अब वोटर्स अंदर नहीं जा सकता है। जहाँ तक रही सुबह से लेकर अब तक की बात के सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो सूरत हाल रही है वो चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था इस वजह से वोटर्स अपना सही तरह से हक रायदेही इस्तेमाल नहीं कर सके और वो घरों से नहीं निकल सके। लेकिन अगर बात की जाए कि वो किस तरह से आज मुस्लिम लीग नून ने और PTI के दरमियान जो झड़प हुई है उस पर एक सबसे अहम तरीन बात यह नज़र आई है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बाहर से बंदे बुलाए गए थे वो उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में ज़बरदस्ती अंदर घुसकर बहुत सारे जो पोलिंग उनके एजेंट थे वो उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे मामलात में रुकावटें पेश आई हैं और बाज़ पोलिंग स्टेशन थोड़ी देर के लिए बंद भी। लेकिन ये इल्ज़ाम कहाँ तक दुरुस्त है आफ्ताब, जो नून लीग कह रही है कि ज़बरदस्ती ठप्पे लगवाए गए हैं, आप कह रहे हैं कि खुद नून लीग के लोग आए उन्होंने वहां पर बदमजगी पैदा की, ये इल्जाम कहां तक दुरुस्त है? जी, यहाँ जहाँ तक बात है कि उन्होंने ठप्पे लगाए हैं, कोई ऐसा वाजह तौर पर नून लीग की तरफ से कोई प्रूफ सामने नहीं आया है जो कि ये बताया जा सके या उनकी तरफ से ये दिखाया जा सके कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई किसी किस्म का ठप्पे या मोर वगैरह बल्ले के निशान पर लगाई गई है, लेकिन या दीगर निशानात पर लगाई गई हैं। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि बाज़ पोलिंग स्टेशन के जो वहाँ पर जो इनके मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे वो बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर वो नज़र आए हैं।
जो इंतज़ामिया के साथ बहस तकरार करते हुए भी नज़र आए हैं और यहाँ तक कि जमाली बलोचा पोलिंग स्टेशन पर एक झड़प में भी वो नज़र आए हैं, जो कि वोटर को वो अक्के रायदेही से रोक रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब हुसैन। कुल हमें आज के जो PS84 का ज़िमनी इलेक्शन था उसकी सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह मैंने नाज़रीन अपने इंट्रो में बात की कि इस हुकूमत को ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी हर तरह के मसाइल का सामना है और सबसे बड़ा मसला महंगाई है जिस पर अभी तक हुकूमत काबू नहीं पा सकी, क्योंकि अपने ही मसलों से जब वो निकलेगी तो आवाम के मसाइल को देखेगी। अब जरा आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल की। कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्वेटा का दौरा किया और ये दौरा कोई आम दौरा नहीं था और वहाँ पर एक शिकायत का अंबार था जो उनके लिए था। इससे पहले हम देखते आए कि वज़ीर आज़म जब जब क्वेटा के दौरे पर गए वो मामलात को ठंडा करके वापस आ गए, लेकिन इस बार जो उनका दौरा था उसमें मुतालबा वहाँ के लोगों का, उनके खुद जमात के लोगों का जोर पकड़ गया कि गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह ज़ई को हटाया जाए उनके ओहदे से और कई शिकायात थी उनके खिलाफ। वज़ीर आज़म ने उनका यह मुतालबा तस्लीम कर लिया, खबर यह है, लेकिन मुतालबा किसने किया, क्यों किया और ये मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही कोई शख्स जो है वो गवर्नर के ओहदे पर यहाँ पर आएगा, और आएगा तो फिर जाहिर है जो बाप के साथ जो ताल्लुकात हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रूरत के तहत ही सही, वो आगे पर किस तरह की नौयत की होंगी, इसी पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें नज़ीर लगाई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। शहजादा ज़ुल्फ़िकार साहब ब्यूरो हेड बलोचिस्तान में ज्वाइन करें, आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। ज़ुल्फ़िकार साहब, मैं चाहूँगी आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँ, सर ये क्या मामला है बलोचिस्तान के मसाइल से ज़्यादा उनके वहाँ के अपने मसाइल डिस्कस होते रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात की खबरें ज़्यादा आती रहती हैं, इस बार क्या हुआ, ये मुतालबा क्यों ज़ोर पकड़ा, ये गवर्नर को हटाया जाए और ये मुतालबा वज़ीर आज़म ने तस्लीम भी कैसे कर लिया, क्या हो क्या रहा है वहाँ पर? शुक्रिया सुमैया। देखिए ये मामला तो बहुत अरसे से चल रहे थे और पार्टी के लोग जो हैं वो बार बार मिसाल देते थे, जब भी प्राइम मिनिस्टर के पास जाते थे और ये कहते थे कि इमरान इस्माइल साहब जो हैं कराची में गवर्नर हैं, यानी सिंध में गवर्नर हैं और वहाँ पीपल्स पार्टी हमारी नहीं है, लेकिन गवर्नर हाउस के दरवाजे हमारे कारकुनों हमारे लीडरों के लिए खुली हुई है और हम जाके बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हैं। और 18 अमेंडमेंट के बाद आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मामला हो, यूनिवर्सिटी के मामला हो, वो चले गए हैं चीफ मिनिस्टर के पास। चीफ मिनिस्टर के जो भी रिकमेंड करेगा गवर्नर पाबंद होगा कि उस वाइस चांसलर को वो उसको लगाए, उसको हटाए और जो तब्दीलियां करें। और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को जो भी गवर्नमेंट चाहेगी गवर्नर पाबंद है कि उसको वो करे। और गवर्नर जो है ये प्रैक्टिस जो है सिंध में तो बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व कर रही है, बलूचिस्तान में इस तरह नहीं चलती रही 18 अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि यहाँ नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा की हुकूमत थी। अब गवर्नर का मामला जब आया तो गवर्नर के मामले पर PTI के लोगों की ये बात है कि हम बहुत से ऐसे वाइस चांसलर हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारे हमदर्द हैं, प्रोफेसर हैं, सीनियर, उनको लगा देना चाहिए, लेकिन गवर्नर साहब अपने अपनी मर्जी वो कर रहे हैं। हालांकि इन गवर्नर ने कुछ नहीं किया, सब कुछ पिछले गवर्नर जो है जाते जाते जो है चंद दिनों में वो अपने लोग लगा के चले गए, इस गवर्नर ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये गवर्नर तो मामलात को देख रहे हैं अपने तौर पर, ठीक देख रहे हैं, कोई मुदाखलत भी नहीं करता है। और अगर PTI का कोई बंदा जाना चाहे गवर्नर के साहब के दरवाजे खुले भी हैं और गवर्नर साहब ने किसी को इनकार भी नहीं किया, MNA जाते रहे, डिप्टी स्पीकर जाते रहे, जाते रहे, तो फिर असल मामला क्या है ज़ुल्फ़िकार साहब? असल मामला ये है ना कि PTI के जो कारकुन है वो चाहते हैं कि ये उनका गढ़ बना रहे, उनकी जगह एक उनका 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 एक ठिकाना बन जाए, उनकी एक बैठक बन जाए गवर्नर हाउस, जिस तरह के कराची में है और कराची में लोग इस तरह जाते हैं या पंजाब में है या KPTA में है, कि जो हालांकि उनकी हुकूमतें हैं वो एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो ये नहीं करना चाहते हैं कि गवर्नर हाउस का अपना एक तकद्दस है कि वो PTI के जो है वो लोग या कारकुन जाके आराम से बैठ जाए, कोई लेटर भी लिखवा दें और जाके गवर्नर हाउस से जो है किसी के रिकमेंडेशन लेटर लिखवा दें, किसी को तब्दील करवा दें, किसी को वो करवा दें। ये असल मसला चल रहा था। इस बार जो है इमरान खान साहब जब आए यहाँ पर उन्होंने ये पहले से ही देखा कि प्रेशर मेरे पास बड़े अरसे से, उन्होंने पहले से कह दिया, उन्होंने कहा ठीक है भाई ये आपकी बात हमने मान दी,
अब आप एक काम करें कि आप पार्लियामानी पार्टी बैठकर तीन नाम जो हैं वो मुझे आप रिकमेंड कर दें। सही। अब पार्लियामानी पार्टी दो तीन दिन बैठी, कैसे रिजल्ट इतना है बंदा ही उनको नजर नहीं आ रहा। हमारे जोगोसई साहब जो रिटायर्ड डीआईजी हैं वो टॉप पर उनको नाम उनका कंसिडर किया गया, फिर कई चीजें की गई, लॉबिंग की बात है, वो एक शरीफ आदमी है, लॉबिंग वो उनकी पार्टी में इतने नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद ये जरूर हुआ दूसरे प्लेयर भी आ गए, उन्होंने कहा कि देखिए पीटीआई का कोई ऐसा बंदा जो बेचारा बिल्कुल उर्दू ना जानता हो, उर्दू लिख ना सकता हो, वो इस ऑफिस को कैसे चलाएगा, यूनिवर्सिटियों को उन्होंने चलाना है, उनकी सिंडिकेट को उन्होंने गवर्नर बॉडी और सिंडिकेट को जो है उनके मीटिंग्स को उन्होंने चेयर करना है, उन्होंने जाकर खुद तालीम के लिए कोई काम करना, ऐसा किसी बंदे को। तो उसमें मैंने जो सुना है एक नाम उन्होंने शायद आ रहा है, कोई सफारतकार है रिटायर्ड, आसिफ दुरानी साहब का नाम, चले उनका नाम सामने आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। लियाकत शवानी साहब जो तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत, बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। ये जो मामलात चल रहे हैं ये आज से नहीं चल रहे, मामलात बहुत अरसे से चल रहे हैं। वजीर आजम हमेशा पैचअप करवा देते हैं, चीज़ों को ठीक कर देते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने ये मुतालबा मान लिया है और ये मुतालबा आप भी जानते हैं रिन साहब ने किया है, और वो ये कहते हैं कि उनको तो गवर्नर तक रसाई नहीं है और वो ना ही हमारे बिजली के मसले हल होते हैं, ना ही और मसाइल लेके जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है। आप क्या बताएंगे, क्या है असल मामला? देखिए सरदार यार मोहम्मद रिन साहब जो है उनको फेडरल गवर्नमेंट ने एक पोर्टफोलियो भी तफवीज़ किया हुआ है, और पिछले दिनों असेंबली फ्लोर पे सरदार साहब ने कुछ कंप्लेन, कुछ ग्रीवेंसेज उन्होंने रेज किए प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से, कि उनके जो रिकमेंडेशंस हैं उनको ऑनर नहीं किया जाता, और बलूचिस्तान में जो लोड शेडिंग का मसला है, बिजली और खसूसन ज़रई जो ट्यूबवेल्स हैं लोगों की ज़रूरत है वो बड़ी मुतासर हो रही है, और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। और जब भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने इस इशू को टेकअप किया तो फेडरल गवर्नमेंट का एक ही नरेटिव होता है कि बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो बिल अदा नहीं करते, तो हमने उनसे डेटा मांगा है, डिटेल मांगा है कि किन एरियाज़ के कौन से लोग हैं, कितनी उसकी तादाद है। मोस्ट ऑफ़ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान दे पे द बिल्स, और जो ज़रई ट्यूबवेल हैं उनके बकायाजात क्या हैं, तो इस हवाले से कोई स्पेसिफिक डेटा हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। अब भी हमने फेडरल गवर्नमेंट से टेकअप किया है, लेकिन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब जब क्वेटा तशरीफ लाए तो इन तमाम जो ग्रीवेंसेज हैं इनको रिड्रेस करना, एड्रेस करने का उन्होंने कमिटमेंट किया है, और उन्होंने बताया कि ये मसाइल हल करेंगे, प्लस इसके अलावा बलूचिस्तान के जो दीगर मामलात हैं उसके हल के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने फेडरल सेक्रेटरीज को ये डायरेक्शन जारी किया है कि हर एक महीने एटलीस्ट वंस वो बलूचिस्तान विजिट करें, लोगों के जो इश्यूज हैं, मैटर्स हैं, उसको वो सुने, उनको। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं होता ना कि वजीर आजम हर सूबे में जाके मसाइल हल नहीं कर सकते। जाहिर सूबाई हुकूमतें होती हैं, उन्होंने चीज़ों को टेकअप करना होता है, मामलात को चलाना होता है, बार बार वजीर आजम तो नहीं आ सकते, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन शवानी साहब ये जो इल्ज़ाम, चले मैं इल्ज़ाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती, ये जो कहा जा रहा है कि गवर्नर तक रसाई नहीं है, हम गवर्नर हाउस जा ही नहीं सकते, ना वो सुनते हैं हमारे हल्के के मसाइल, ना ही आवाम को वहाँ तक दस्तरस है, ये किस हद तक दुरुस्त है? उन तक आवाज़ नहीं पहुंच। शवानी साहब को शायद मेरी आश रही है, बड़ा आम मेरा सवाल था, लेकिन चलें। लगारी साहब आपको क्या लग रहा है, ये जो अपने इख्तलाफात हैं, चाहे वो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हों या फिर अपने इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफात हों, हुकूमत इन चीज़ों से आखिर कब निकलेगी? पौने तीन साल का अरसा हो गया। असल में बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं और डाइवर्स हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर पॉपुलेशन इस तरह से है कि एक पख्तून पूरे का पूरा एक बेल्ट है, और वहाँ से ऊपर से शुरू होगा चमन से, बल्कि पशीन से, चमन पशीन और फिर यूब, और फिर उसके साथ साथ चलते जाएंगे नीचे तक आ जाएगा ये सारे का सारा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ये सारे इलाके जो हैं ये पश्तून एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर एक ख़ास किस्म के डायनामिक है। और दूसरी तरफ को बलूचिस्तान के इलाके हैं जो बलोच स्पीकिंग एरिया हैं, एक बड़ा इलाका वो भी है जो बरहवी स्पीकिंग इलाका है, तो इसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट भी मुख्तलिफ हैं।
तो अब एक एक जगह पर अगर कहीं पावर का इर्तकाज़ हो या पावर कहीं जम रही हो तो दूसरी जगह पर जो है वो एक डिप्रेवेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर ये कि पार्टियां भी इसी तरह से हैं, यानी बलूचिस्तान की जो बलोच पार्टियां हैं वो उनकी ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन बलोच ही होती है, और पख्तून पार्टियाँ जो हैं पख्तून को, पख्तून रिप्रजेंटेशन और बलोच रिप्रजेंटेशन अगर कहीं किसी पार्टी में दोनों जगह पर यकसा तो नहीं होती है, एक फ़र्क के साथ होती है, वो JUI में होता है ऐसा कि कुछ लोग और उनके अंदर ज़्यादातर बलोच वो होते हैं, पख्तून होते हैं लेकिन बलोच भी होते हैं। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है, जाहिर है कि वो पख्तून को रिप्रेजेंटेशन, बलोच नेशनल पार्टी है और BNP है, ये पार्टियां जो हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं। और बलोचिस्तान अवामी पार्टी एक ऐसी पार्टी लॉन्च हो चुकी है पिछले इलेक्शन से जहाँ पर बड़ी हद तक इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को सिक्योर कर लिया है कि उनके अगर कोई इंटरेस्ट होंगे या उनका अगर कोई वो चीज़ होगी तो उसको बलूचिस्तान अवामी पार्टी कर लेगी। तो अब ये डाइवर्सिटी जो है इसकी पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की उस सब उसका भी एक मसला है, लेकिन यहाँ जो चल रहा है PTI जो वहाँ पर एक पार्टी है और जी, उसके सरदार यार मोहम्मद रिंद जो हैं उसके सरबराह हैं, उनका एक मसला ये है कि बलूचिस्तान का वो चाहते ये हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है तो गवर्नर जो है उनकी पार्टी से होना चाहिए। अच्छा, उनकी पार्टी PTI में मालूम नहीं है कि पख्तून रिप्रेजेंटेशन कितनी है, लेकिन बहरहाल वो चाहते हैं कि पख्तून रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर भी ये है कि अगर पख्तून गवर्नर होते हैं तो बलोच जो हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो इस तरह से चीफ मिनिस्टर जो हैं बिरहावी स्पीकिंग भी होते हैं लेकिन वो अपने आप को बलोची क्लेम करते हैं और बलोची कहते हैं अपने आप को, शहजादा साहब इन ऑल सेंस वो प्रिंस हैं, हाँ। कलात की रियासत के एक शहजादे हैं हमारे शहजादा जुल्फकार साहब। तो जो ये जो हैं ये दोनों जुबानें बोलते, तीनों जुबानें बोलते हैं, शहजादा जुल्फकार जो हैं ये पश्तो भी बोलते हैं, बलोची भी बोलते हैं, बिरहावी भी बोलते हैं। सही। तो इनको ये भी एक एक खास एज हासिल है, हाँ। लेकिन पश्तूनों के लिए एक है कि गवर्नर होना चाहिए, एक PTI कह रही है कि हमारा गवर्नर होना चाहिए। ये तरीकेकार है और डिवाइड होती हैं इस तरह से चीजें, लेकिन क्या ये ख्वाहिश ही है सिर्फ? मैं चाहूंगी शवानी साहब से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे पूछती हूँ शवानी साहब, ये रिंद साहब की, सरदार यार मोहम्मद साहब की ख्वाहिश ही है या वाकई वो ये ठीक बात कह रहे हैं कि गवर्नर तक नहीं है रसाई लोगों की, मसाइल लेकर जाते हैं कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं घटाया जाए गवर्नर को? देखिए, सरदार साहब के ग्रीवेंसेस जो है वो यकायक जो है दो हफ्ते कबल आए हैं और फेडरल गवर्नमेंट से भी उन्होंने कंप्लेंस किए हैं, कुछ नाराजगी का इजहार किया है। गवर्नर साहब के हवाले से भी आप फरमा रही हैं, हमारे नोटिस में तो ऐसा कुछ नहीं। गवर्नर साहब का ये सुनने में आ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट चाह रहा है कि गवर्नर साहब को जो है तब्दील किया जाए, और फेडरल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है, सूबों में जो है वफाक का नुमाइंदा गवर्नर होता है और प्रेजिडेंट साहब जो है आर्टिकल 101 से 105 तक जो आर्टिकल्स हैं वो किसी भी गवर्नर के अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन चेंज के हवाले से और उसके जो पोर्टफोलियो की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके हवाले से वो आर्टिकल जो है वो डिस्कस करते हैं उस तमाम सूरतयाल को। तो ये तो है फेडरल गवर्नमेंट की हद तक। रहा बात जो है जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं बलोच पश्तून, बलोच पश्तून जाहिर है सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, भाइयों की तरह रह रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई ऐसा बार नहीं है कि किस लिसानी ग्रोह का कोई शख्स जो है वो गवर्नर नामजद होगा या उसको गवर्नर होना चाहिए। अच्छा। ये डिस्क्रेशनरी है लेकिन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहा है कि गवर्नर साहब जो है वो पश्तून स्पीकिंग, इवन पश्तून या पश्तून के अलावा भी बलूचिस्तान में दीगर लोग हैं, कोई भी आ सकता है। तो उस हवाले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। हमारे लिए कोई भी शख्स जो प्रेजिडेंट साहब उनको अपॉइंट करते हैं एज अ गवर्नर, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हैज गॉट नथिंग टू डू इट। सिर्फ हमारी एक गुजारिश ये है कि बलूचिस्तान का गवर्नर जो है वो एक पढ़ा लिखा शख्स हो, इसलिए भी पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बलूचिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नर साहब के मातहत काम करते हैं। तो एक क्वालिफाइड पढ़ा लिखा और एक अच्छे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, एक अच्छे करेक्टर का गवर्नर जो है बलूचिस्तान के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, बलूचिस्तान गवर्नमेंट जिस तरह से चीज़ों को हम ठीक कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, बलूचिस्तान को इंडस्ट्रियल फेज़ में फर्स्ट टाइम हैवर इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, बलूचिस्तान में पहला कैंसर हॉस्पिटल हमने
उस पर काम का आगाज़ हो चुका है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, बॉर्डर मार्केट्स बना रहे हैं और मार्बल सिटीज़ बना रहे हैं और नई शाहराहें बलूचिस्तान में तामीर कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी उनका फर्स्ट टाइम हैवर एक फोकस है बलूचिस्तान की तरफ। तो इस तमाम जो सूरत हाल है उसको देखते हुए ये हमारी ख्वाहिश होगी कि बलूचिस्तान का जो गवर्नर है, बलूचिस्तान की जो गवर्नेंस जो हमारी टीम है उसमें एक पढ़े लिखे शख्स का, एक क्वालिफाइड शख्स का, एक सिंसियर शख्स का, एक डेडिकेटेड शख्स का, एक कमिटेड शख्स का उसमें इजाफा हो और ये हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारा कोई इस ये कोई हमारे मुतालबात नहीं है। चलें ठीक है, सही है, ख्वाहिशात हैं मुतालबात नहीं है। जाहिर एक एक सही शख्स का होना किसी सही सीट पे बहुत ज़रूरी होता है। जुल्फ़िकार साहब, ये जो भी कुछ तब्दीलियां आएंगी इसका असर खुद हुकूमत के ऊपर या उस हुकूमत और इत्तेहाद जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके ताल्लुकात पर कितना पड़ सकता है? देखिए मैंने ये तर्जमान जो हैं हुकूमत के उन्होंने तो खुद बता दिया, मेरी खुद भी इनसे बातचीत होती रही। बात यह है कि बाप पार्टी कहती है कि वी हैव नथिंग टू डू विद चेंज ऑफ गवर्नर, गवर्नर आप इन्हीं को रहने दें, हमारे लिए ये काबिल कबूल है। अगर आप लाएंगे जिस तरह उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार, पढ़े लिखे लोग और कोई ये नहीं है कि पार्टी के आपने किसी ऐसे बंदे को लगा दिया कि जो खुद भी ना उर्दू पढ़ना जानता हो ना उर्दू बोल सकता हो, तो वो अंग्रेजी में क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा, क्या डायरेक्शन जारी करेगा, यूनिवर्सिटियों को किस तरह से उसके मामलात को देखेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां तक मामलात आपने कहा मैं जरूर बात करूंगा। तगारी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे कहा तीसरी जबान, मैं तो चौथी जबान दरी या फारसी भी जानता हूँ। अच्छा, रही बात इसकी के इस वक्त गवर्नमेंट और पीटीआई के, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इमरान खान के पास जो है उनको दो चॉइस करनी है, उनको सूबाई पीटीआई के की तरफ की वो झुक जाएं या बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिनके अच्छे खासे एमएनए हैं, जिनके अभी सेनेटर अच्छे खासे मुंतखब हुए वो वफाक में उनकी उनकी सपोर्ट उनको चाहिए, या वो एक आध मिनिस्ट्री पर लड़ रहे झगड़े। ये बड़ा आपने अहम पॉइंट उठाया है जुल्फ़िकार साहब, बड़ा अहम पॉइंट है, बहुत शुक्रिया आपका। शिराज आपका भी और लियाकत शवाई साहब आपका भी, हुकूमत को ये सोचना होगा कि एक सिर्फ सीट के लिए जो अपने इत्तेहादी हैं उनसे अपने ताल्लुकात को आगे जाए, लॉन्ग टर्म ये चलने हैं और हुकूमत को ज़रूरत भी है। ज़रूरत के रिश्ते को पायदार रखने के लिए आपको फैसले कैसे करने हैं खुद इमरान खान साहब को ये सोचना होगा। ब्रेक हम ले रहे हैं, वापस आएंगे तो कुछ कोरोना की सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम देख रहे हैं मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है, रोजाना अमवात भी बढ़ रही हैं और मुस्बत केसेस की शराबी। हुकूमत 8 से सूरत तक लॉकडाउन करने जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि अपने प्यारों और अपनी जानों का की हिफाजत करें और एहतियात करें, घरों में रहें, मास्क पहने और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो वैक्सीन लगवाने की शरह है वो बढ़ गई है। खुद NCOC के मुताबिक जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो वैक्सीन लगाने वालों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यानी कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी हमें एहतियात लाजमी करनी है। और ये लॉकडाउन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप SOPs की खिलाफ वर्जी करें और अपनी एहतियात ना करें। लगारी साहब, ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में सूरत हाल ये जो थर्ड वेव है इसकी वजह से ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान में भी हमने देखा एक दम ही केसेस ज़्यादा हुए और अमवात भी बढ़ गई। अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों में भी आए केसेस, अब लॉकडाउन भी लगने जा रहा है। वैक्सीनेशन बड़ी तो है लेकिन ज़ाहिर है अभी भी उस तरीके से मामलात नहीं हैं कि हर शख्स के लिए वैक्सीन दस्तियाब हो। आपके ख्याल में जो वैक्सीन का एक प्रोसीजर है हुकूमत का, क्या आप उससे मुतमईन हैं या आप ये समझते हैं कि जो मुतालबा से हुकूमत कर रही है कि उम्र की हद ख़त्म करनी चाहिए, सबके लिए वैक्सीन खोल देनी चाहिए, ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जान इंसानी जान तो सबकी कीमती है। मैंने एक ज़िंदगी गुजारी है लेकिन मैं ये भी तो चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी ज़िंदगी गुजारें और बेहतर तौर पर हो, और तमाम लोगों के बच्चे, तमाम लोगों के नौजवान वो जो हैं अपनी ज़िंदगी गुजारें और उनके लिए वैक्सीन। ये क्या हुआ कि मुझ जैसे आदमी को तो वैक्सीन लग गई है और मैंने वैक्सीनेशन करा लिया लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे हों,
तो जो लगा सकते हैं अपने तौर पर वो लगा रहे हैं, लेकिन ये है बहुत अफसोसनाक बात कि दुनिया भर में जो है अपने शहरियों को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जा रही है और हमने खैरात की वैक्सीन पर भी हमने कारोबार शुरू कर दिया है। यहाँ पर असल मसला ये है कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और जो आपको आ रहा है दुनिया भर से जो आप सौदे करना चाहते हैं उसको एक कारोबारी अंदाज में करना चाहते हैं। अगर इस बीमारी से आप कारोबारी अंदाज में लड़ेंगे तो फिर लड़ नहीं सकेंगे। ये हो नहीं सकता है कि हुकूमत अगर ये सोचे कि धंधा भी करे, कारोबार भी करे, दवाओं के ऊपर कमाया भी करे और फिर अपने लोगों को भी बचा ले, ये बहुत मुश्किल होगा। हुकूमत को तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों को लोगों को मुफ्त जो है वैक्सीन फराहम करनी चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए और हर उम्र के लोगों को मिलनी चाहिए। चूँकि अगर बड़ी उम्र के लोग, वो यकीनन बड़ी उम्र के लोग भी जीना चाहते हैं, तो कोई भी बड़ी उम्र का आदमी ये नहीं चाहेगा कि छोटी उम्र के लोग जो उनकी जानों को ख़तरा हो। हुकूमत को इन तमाम चीज़ों पर देखना चाहिए, लोगों को मुफ्त वैक्सीन फराहम करनी चाहिए और दुनिया आपको दे भी रही है। चीन ने आपके साथ बहुत तआवुन किया है, आप इसको बढ़ाएं। और अगर आपको ख़रीदारी के लिए आप पैसे मख्तस कर चुके हैं फिर भी नहीं लेते हैं, आपके पास बजट हैं फिर भी नहीं लेते हैं, और ये समझ में आने वाली बात नहीं है। और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट अजीज होता है माफिया का, जो जिसने धंधा करना है, जिसने कारोबार करना है, जिसने पैसे कमाने हैं, आपको उनके इंटरेस्ट को देखना है या मासेस के आम आदमी के इंटरेस्ट को देखना है। असल बात तो ये है कि आम आदमी को आप बचाएं सारी सूरत हाल से। कारोबार बहुत सी चीज़ों पर होता रहेगा, कारोबार के लिए भी बहुत से पेशे हैं, लेकिन ये दवाएं जो हैं एसेंशियल हैं, इसके लिए लोगों को मुफ्त। अच्छा, अभी तक कोई खास प्लान भी नहीं है, हुकूमत बता भी नहीं रही कि कितनी वैक्सीन खरीदारी की है, कितनी वैक्सीन मौजूद है। क्योंकि अगर हम एक आशारिया देखें जो खुद एनसीओसी ने दिए हैं लगारी साहब, वो 1% यानी कि जो हमारी 22 करोड़ की आबादी है उसमें 1% जो आवाम है उनको सिर्फ वैक्सीन लगी है, यानी कि वो तो बहुत ही कम है। और ये भी नहीं बताया गया कि बाकी आबादी के लिए क्या प्लान है, कितनी वैक्सीन की खरीदारी हुकूमत ने करनी है, कितनी कर चुकी है, कितनी तादाद में वैक्सीन अभी मौजूद है, कितने लोगों को अभी लगनी है, ये प्लान भी कोई एनसीओसी नहीं देती। नहीं देना चाहिए, इसमें 100 में से एक आदमी को लगा है। 21 करोड़ की आबादी में अगर आपने 21 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दिए तो वो कारनामा नहीं है। और आपको कितने लाखों वैक्सीन तो आपको मिली है चीन से और बड़ी तादाद में मिली है, आप रूस से भी ले रहे हैं, आप दुनिया से ले रहे हैं, तो आप हुकूमतों का काम है, हुकूमतों का हेल्थ केयर भी काम होता है, और हेल्थ केयर के अलावा उनको वैसे भी आप इतने जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो तो आपको फ्राहम करनी है। आपको ये कोरोना से लड़ने के लिए अपनी आबादी को बचाना है, इसलिए कि आपके इतना खतरनाक कोरोना आया हुआ है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है। हालांकि उनके पास वैक्सीन मौजूद है, वो खुद बना भी रहे हैं, वैक्सीन इतने लोगों को लगा भी दी है, उसके बावजूद जो कोरोना है उसने वहां तबाही मचा दी है और जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, इस तरह से अमवात हो रही है, वो खौफनाक है। हमें इसे ना सिर्फ सबक सीखना होगा बल्कि हुकूमतों को भी अपनी कोई प्लानिंग करनी होगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। सूरत हाल बहुत अलार्मिंग है, केसेस भी बढ़ रहे हैं हमारे भी मुल्क में, हम देख रहे हैं अमवात बढ़ रही है, लेकिन वैक्सीन के हवाले से हुकूमत अभी कुछ प्लान नहीं बता सकी कि अगर 1% को सिर्फ कोरोना वैक्सीन लगाई गई है तो बाकी आबादी को कब लगाई जाएगी, उसके लिए क्या सूरत हाल है। आप मुझे बता सकते हैं सर कि क्या ये जो हमारे पास तीसरी यानी कि थर्ड वेव है वायरस की, क्या हम इसके पीक पर पहुँच चुके हैं अभी? बहुत शुक्रिया जी। अभी ये कहना बहुत कबलिस वक्त होगा कि हम पीक पे पहुंच चुके हैं। लाहौर और पंजाब में किसी हद तक कमी आई है केसेस में, लेकिन अभी बाकी मुल्क में बिल्कुल नहीं आई, और ये भी हो सकता है, अल्लाह करे कि ये पीक के बाद डाउनवर्ड ट्रेंड हो, लेकिन अभी ये एक या दो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा है, अभी इसका हमें कहना कबल वक्त होगा कि पीक से नीचे हम आ रहे हैं। इसलिए मेरा ख़्याल है कि अभी हमें एहतियात उसी तरह ही करते रहना चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क भारत में जो हो रहा है हम नहीं चाहेंगे कि अल्लाह ना करे कि वो चीज़ यहाँ रिपीट हो। तो इसलिए इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से हम गुज़र रहे हैं, और जहाँ पे हर घंटे में कोई तकरीबन 6 से 7 जाने जा रही हैं, तो फिर ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए।
और सर पंजाब में 58 लोग जो हैं वो अपनी जान से चले गए, सूरत हाल बेहतर तो हो रही है लेकिन ज़ाहिर है अभी भी केसेस भी मौजूद हैं, अमवात भी हो रही हैं। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि एहतियात नहीं है, अभी भी रमज़ान के बायस बाज़ारों में भी रश है, वैसे भी बाहर रोडों पर रश है, लोग मास्क भी नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं करते। भारत जहाँ पर मकामी सतह पर वैक्सीन तैयार हो रही है, वैक्सीन उन्होंने हमसे ज़्यादा अपने लोगों को लगाई क्योंकि आबादी भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ ये सूरत हाल क्यों ख़राब हुई, वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि आज वहाँ पर ये सूरत हाल है? देखिए भारत बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनने वाला है और उसके शहर भी बहुत बड़े हैं, स्पेशली दिल्ली मुंबई और इस तरह के शहर, और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, भारत में कोई हमसे बेहतर रिस्पांस नहीं था, ना गवर्नमेंट के लेवल पे तो बहुत ही पुअर पैथेटिक रिस्पांस था, कि मोदी साहब खुद टिल कोई 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले तक जलसे करते रहे, अपने इलेक्शन कंपेनें करते रहे, लाखों लोग इकट्ठे होते रहे, फिर उनके मजहबी त्यौहार थे बहुत सारे कुर्द के, जहाँ पे 2-2 करोड़ लोग इकट्ठे हुए, तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने वो गंगा के बीच में नहाए और इकट्ठे रहे और फिर सारा कुछ। तो जाहिर है ये भारत का कोई बेहतर रिस्पांस नहीं है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एज ए कौम, एज ए शहरी, एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए गवर्नमेंट, हमारा उनसे रिस्पांस बहुत बेहतर है, क्योंकि उनकी जो वो बना तो रहे हैं डेफिनेटली सीरम इंस्टीट्यूट, लेकिन क्योंकि वो कमिट भी कर बैठे हैं लोगों के ऑर्डर्स, तो उनको वहाँ भी भेजनी पड़ रही है। इस वक्त देखें जो वहाँ सूरत हाल है, उनकी फिर म्यूटेशन भी ज़्यादा हुई हैं अभी, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है और बड़ा रैपिडली वहाँ डिवाइड कर रहा है, तो उनका एक डबल म्यूटेंट वायरस आया है जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे बचे हुए हैं, लेकिन जाहिर है ख़तरा ये है कि वो हमारे मुल्क में भी ना एंटर हो जाए, स्पेशली थ्रू UAE, क्योंकि UAE में आपको पता ही है कि एयरपोर्ट्स पे भारतीय और पाकिस्तानी जाहिर इकट्ठे ही हो रहे होते हैं उस वक्त, और शहर में भी इकट्ठे ही रहते हैं, तो इसलिए ये चांस रहेगा। इसलिए मैं वही कहूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर रही है। लेकिन डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कहा गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर रही है, आपको पता है कि हमारी आवाम ऐसे नहीं सुनती और हम लोग खुद से एहतियात नहीं करते, हुकूमत जो इकदाम कर रही है क्या आप उससे मुतमईन हैं कि 8 से 16 तक लॉकडाउन किया गया है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनको 20% पे कर दिया गया है, क्या इतने इकदाम काफ़ी हैं या इससे बढ़ के इकदाम करने होंगे सूरत हाल देखते हुए? देखिए मैं डॉक्टर तो यही कहूँगा कि जितने ज़्यादा इकदाम हों उतना ही बेहतर है, मैं तो ये भी कहूँगा कि कर्फ्यू नाफज हो जाना चाहिए, लेकिन देखें हुकूमत ने मईशत भी देखनी है, लोगों की रोज़गारी भी देखनी है, उसने बहुत चीज़ें देखनी है, तो इसलिए वो एक, लेकिन मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो भी हुकूमत कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती से कर रही है और काफ़ी पोलिटिकल विल दे रही है कि वो रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ कर रही है, जिसकी वजह से आई एम श्योर के पंजाब और लाहौर में इसी वजह से कम हुआ है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का है वो भी तकरीबन हम 1.5-2 लाख तक पहुँच रहे हैं, तो देखें हमारा मुल्क के वसाइल भी हमें देखने पड़ेंगे कि हम अगर वैक्सीन इस वक्त हमारे पास शायद 50 या 60 लाख डोजेज पड़ी हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है लगाना, जबकि कोल्ड चेन चाहिए, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर्स चाहिए, ये वो वैक्सीन नहीं है पोलियो की तरह के घर घर जाके आप लगा दें, यहाँ पर लोगों को आपके पास आना पड़ेगा और जाहिर है आपको कोल्ड चेन पूरी और रोज़ के रोज़, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी को ये काम दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि वो वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं, हम तकरीबन 2 से 3 वैक्सीनेशन सेंटर अपने मेडिकल कॉलेजेस में डेली बना रहे हैं। अच्छा। और मैं समय बहुत जल्दी इंशाल्लाह, तो सर वहाँ जो आपने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, आपने कहा कि हम रोज़ बना रहे हैं 2 से 3 वैक्सीनेशन सेंटर, वहाँ एक रोज़ में कितने लोगों को वैक्सीन लगने के इंतजाम मौजूद हैं, और आप क्या बताएंगे कि अभी अगर हुकूमत ये एक फिगर्स दे रही है कि 1 से 1.5 लाख लोग जो हैं वो एक दिन में वैक्सीन लगवा रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो वैक्सीनेशन का अमल है वो कितना बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखें मैं नहीं कहूँगा कि कोई आइडियल सिचुएशन से बेहतर बढ़ रहा है, हमें इसको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, लेकिन असल चीज़ 2 चीज़ें हैं, एक तो देखें सारे मुल्क इस वक्त कम्पीट कर रहे हैं वैक्सीन अपने शहरियों के लिए लेने पे, और क्यूइंग हुई हुई है, ये नहीं कि आप ऑफ द शेल्फ जाके ख़रीद लें, एक तो इस डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, और दूसरा मसला ये है कि अगर वैक्सीन जो आ भी जाए तो उसको लगाने का, सेफली ट्रांसफ़र करने का, सेफली इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो भी मसला है।
तीसरा मसला है कि लोग भी अवहम में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अभी भी डिनाई कर रहे हैं वैक्सीन को, वो कहते हैं कि कोई हमें कमजोरी हो जाएगी या कोई हमारे में चिप डाल दी जाएगी या कुछ, अवहम में है। तो तीसरा जो मामला है वो तो जाहिर है सोशल मीडिया एक बिल्कुल बेलगाम चीज़ है और उसको टेम करना इम्पॉसिबल है। जैसे आपके थ्रू हम कर रहे हैं कि जी वैक्सीन 100% सेफ हैं और काफ़ी हद तक इफेक्टिव हैं, 100% इफेक्टिव हैं इस लिहाज से कि आपको सीरियस बीमारी से रोकती। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे दो अहम सवाल करने हैं, वक्त मेरे पास कम है। एक तो ये कि हमें डेनमार्क की जो रिपोर्ट है वो सामने है कि वहाँ पर कुछ वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग हुई, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे SLE हो गई या ख़तरनाक बीमारियाँ जिन लोगों को होती हैं, क्या वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं और क्या उनके लिए वैक्सीन सेफ़ है या फिर उनको कोई ख़ास इजाज़तनामा अपने डॉक्टर से लेना होगा वैक्सीन लगवाने के लिए? देखें, जो आपका पहला सवाल है वो मैं बताऊं कि दो वैक्सीन्स, एक AstraZeneca की और दूसरी Johnson & Johnson की, ये दोनों ही वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स हैं, जहाँ पे एडीनो वायरस 25 को यूज़ किया गया था एज ए प्लेटफॉर्म। तो इन दोनों में देखा गया कि एक सिंड्रोम है जिसमें आपके खून के जो जुज हैं प्लेटलेट्स वो कम हो जाते हैं और ये इम्यून एंटीबॉडीज़ की वजह से और आपकी क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। सही। और ये बूढ़े लोगों में ज़्यादा पाई गई और वो भी कोई इतनी उसकी शरह ज़्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ी शरह, लेकिन फिर भी है। ये दोनों वैक्सीन्स पाकिस्तान में नहीं हैं, जो पाकिस्तान में वैक्सीन हम यूज़ कर रहे हैं चारों, ये चारों में ही कोई ऐसी चीज़, कोई एक सिंगल केस रिपोर्ट नहीं हुआ। 18,000 लोगों का कैंसाइनों से हमने खुद ट्रायल किया, किसी एक में भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आया। उसके बाद जो दूसरा सवाल है कि जो ऑटोम्यून डिजीज में मुब्तला हैं या ट्रांसप्लांट कराए हुए और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं या इम्यूनोसप्रेशन दवाइयां ले रहे हैं, उनको अपने से बात करनी चाहिए और उनको फौरी तौर पर वैक्सीन लगनी चाहिए। अलबत्ता ये मैं बता दूँ कि उनको वैक्सीन इतनी मुवसर नहीं होगी, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम की बूस्टिंग हम कर रहे हैं वैक्सीन से वो उनका स्प्रेस हुआ हुआ है, तो इसलिए वो कम से कम स्टीरॉइड्स पे पहले आ जाएं, यानी कि अगर चार गोलियां ले रहे हैं तो एक या दो पे अगर कंट्रोल कर लें कुछ देर, फिर वैक्सीन लगवा लें, फिर वापस अपनी डोज पे बाद में चले जाएं 2-3 हफ्ते बाद, तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन लगानी ज़रूर चाहिए उनको, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उनको कोरोना लग गया तो उनके लिए ज़्यादा मोहलक होगा, इसलिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर मुझे बता दें कि वैक्सीन लगवाने के बाद उसकी वो मुद्दत कितनी है कि जो हमने एक डोज लगवा ली, दो शॉट्स लगवा लिए, वो कितने अरसे तक वैक्सीन जो है वो करामद होगी, कितने अरसे के बाद आपको दोबारा वैक्सीनेशन करवानी होगी? देखें, कैंसाइनो जो लग रही है, जो गवर्नमेंट भी लगा रही है, प्राइवेटली भी लग रही है, वो सिंगल डोज की वैक्सीन है, सिंगल शॉट, उसी पे हमने ट्रायल। दूसरी साइनोफार्म और साइनोवैक की दो डोजेज हैं, 3 हफ्ते अपार्ट। देखें, ये कहना अभी कबलज़ वक्त है, मैं ये बता सकता हूँ कि हमने जो ट्रायल किए, जिसको ट्रायल किए हुए 6 माह हो गए, 6 माह अभी तक प्रोटेक्शन मौजूद है एक डोज के साथ। ठीक है, अभी हमारा ख्याल है कि आपको कम से कम 7, 8 या 9 महीने में एक और डोज ज़रूर लगानी पड़ेगी और बार बार लगवानी पड़ेगी और अगले 4-5 साल लगवाते रहना पड़ेगा। सही। कोई वैक्सीन नहीं है कि ओवर द टाइम वो उसकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कम ना हो, तो इसलिए हमें एहतियात करते रहना पड़ेगा। कोई दूसरा ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी कि जो 100% मुवसर हो, ये कोई 70% थे, 80-90% तक मुवसर हैं। इसलिए चाहे वैक्सीन लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप मास्क छोड़ दें, आप सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दें और सब कुछ, आपको एहतियात करते ही रहना पड़ेगा अगले 5-6 साल, जब तक के 75% दुनिया के लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो कोवैक्स है, जो एक अमीर मुल्कों ने बनाया हुआ है कंसोर्शियम कि वो गरीब मुल्कों को दो, हमें कोशिश करनी चाहिए अपने डिप्लोमेटिक चैनल से, फॉरेन ऑफिस के ज़रिए, कि वो फौरी तौर पे जो 1.5 करोड़ डोजेज उन्होंने देनी है वो दें, क्योंकि वो कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे, वो अपने आप पे एहसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान में ये रह जाएगी और वो अपने मुल्कों में ख़त्म भी कर लेंगे तो देखें, वैक्सीन में Nobody's safe till everybody's safe. ये मैं बता दूं। बिल्कुल। पूरी दुनिया को सेफ करना, तभी हम सारी इंसानियत बचा सकेंगे, वरना ये आउटब्रेक आती रहेगी।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद लगाई साहब, बड़ी मुफीद गुफ्तगु डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने की और बड़ी तफसीलन उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगवाना भी कितना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारियों में मुब्तला लोग हों, चाहे उनका जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ हुआ हो या दीगर जो ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं, उनको पहले अपना स्टेरॉइड जो हैं वो कम करनी होंगी। और लेकिन जो वैक्सीन है वो किसी तरह से ये नहीं है कि वो नहीं लगवाएं, हर शख्स को वैक्सीन लगना ज़रूरी है। वही बात हम दोबारा करेंगे लगाई साहब, मैं चाहूँगी कि एक तो लोग जो अभी तक ये भाम का शिकार हैं, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बात की कि हमारा सोशल मीडिया जो है वो जिस तरह की फॉल्स न्यूज़ फैला रहा है, लोग शकूक में मुब्तला हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे आपके हमारे घरों में मौजूद हैं लोग जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन शायद ठीक नहीं है, इसके ज़रिए पता नहीं हमारे अंदर क्या दाखिल किया जा रहा है, तो हम वैक्सीन ना लगवाएँ। मैंने अपनी एक अज़ीज़ बहन को रिश्तेदार को कहा, मैंने कहा कि चलें आप वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा भाई मुझे माफ़ रखो। अच्छा। हाँ, मैंने नहीं लगवानी है। और मैंने कहा भाई कुछ नहीं करना है, इसमें आपका एक शिनाख्ती कार्ड वो बताएं, उससे आपका रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको वैक्सीन लगेगी, इससे कुछ भी नहीं होता है, मैंने लगवाया, इससे कोई चीज़ भी कोई मनफी असरात नहीं है। उन्होंने कहा मैंने लगवानी नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें फैला होती हैं, एक तो ये है कि जी बस ये लगवा ली उसके बाद बच्चे जो है पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगी ख्वातीन, एक बात तो ये ख़तरनाक बात है, बिल्कुल रबिश, यानी इस बात की कोई हकीकत नहीं है। मैंने बहुत से डॉक्टरों से बात की है, उन्होंने कहा है कि क्यों, क्या इंसानियत के दुश्मन जो हैं वो बना रहे हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और जहाँ वैक्सीन बनाई गई है उसके तमाम टेस्ट जो हैं वो अब पॉजिटिव आए, तमाम टेस्ट उसके ठीक रहे, नतायज सारे ठीक रहे, उसके बाद ही ये मार्केट हुई है, जो इसकी डोजेज़ हैं वैक्सीन की वो उसके बाद ही जारी हुई हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए और हमें भी कायल करना चाहिए कि वो लोग जाएं और जाकर अपना वैक्सीन लगवाएं, इसलिए कि ये एक ऐसी ख़तरनाक वबा है, एक ऐसा वायरस है जो पूरी दुनिया को उसने एक दफ़ा ऐसे लर्जा के रख दिया है। यूरोप की क्या सूरत हाल थी पिछले साल, जो कुछ इटली में हो रहा में था हुआ। जो कुछ स्पेन में हो रहा था, जो कुछ नेदरलैंड में हो रहा था, जो कुछ जर्मनी में हो रहा था, जो कुछ बरतानिया में हो रहा था, वहाँ पर सूरत हाल को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी बरतानिया में तो बहुत खतरनाक हालात रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ रिकवरी रेट जो है वो बहुत कम था, वहाँ लोग जो एक दफ़ा उसमें मुब्तला हो जाते थे। और यही अब सूरत हाल भारत में भी देखने में आ रही है लगारी साहब। एक चीज़ मैं चाहूँगी कि एंड में मैं बताऊँ कि अभी आप जिस तरह कह रहे थे कि आपकी एक अजीज़ा ने इस तरह से कहा, एक दो लोगों ने मुझसे भी ये बात कही कि भाई हमें क्यों जो है वो दीगर ममालिक फ्री में दे रहे हैं वैक्सीन, कोई तो उनका मकसद होगा। कोई मकसद नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरी दुनिया को ये वैक्सीन लगना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं से भी कोई शख्स बगैर वैक्सीन के रह जाएगा तो इट मीन्स कि वो वायरस फैलाने का सबब बनेगा। ये है वजह कि इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वैक्सीन दी जा रही है, ताकि पूरी दुनिया को इस वायरस बचाया जा सके। लगारी साहब का बहुत शुक्रिया, आपका आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये है वो असल पैगाम, ये है वो असल बात जिसको समझाने की आपको बार बार कोशिश की जा रही है कि किसी किस्म की कोई चिप आपके जिस्म में दाखिल नहीं की जा रही, कोई आपके साथ बुरा नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको बचाना मकसद है, इसीलिए वैक्सीन लगवाइए ताकि शिद्दत जो वायरस की हो उससे आप बच सकें। और अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।